जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंगेस्ट्रो एंड रंगेस्ट्रो। हमेशा आप अपनी हथेली में देखते होंगे कोई ना कोई रेखा ऐसी होगी जो कि जहाँ से चली होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी, मध्य में यानी कि बीच में धुंधली हो गई होगी या बहुत कम दिख रही होगी या लग रहा होगा कि नहीं है, और फिर ऊपर जाके अस्पष्ट होगी। लेकिन गौर से देखेंगे तो पता चलेगा एक स्रोत बना हुआ है, यानी एक पतली सी महीन सी आभा बनी हुई है। वहीं कुछ रेखाओं में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस हथेली में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी लाइन्स हैं जैसे कि यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से धुंधली होकर आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है। मध्य में आके ये बहुत गाढ़ी हो गई है, और जैसे ही इसने जो हेडलाइन है उसे कट किया है उसके बाद बिल्कुल आभा के रूप में, यानी कि आप महसूस बस कर सकते हैं कि रेखा ऊपर की तरफ गई है, फिर मध्य में थोड़ी सी उठी है। देखो इसका मतलब क्या है, चाहे आपकी जीवन रेखा हो, चाहे आपकी मस्तिष्क रेखा हो, चाहे आपकी हृदय रेखा हो या अन्य किसी भी पर्वत क्षेत्र की मुख्य रेखाएं हो या टेम्पररी लाइन्स हो या कुछ हफ्ते महीनों तक रहने वाली जो है अल्ट्रा टेम्पररी जो लाइन्स हैं वो हो, इन सब में ऐसी स्थितियों के अलग अलग और व्यापक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य रेखाओं के संबंध में। अगर आपकी जीवन रेखा की स्थिति शुरुआत से धुंधली है, मध्य में काफ़ी गहरी स्थिति की तरफ बढ़ रही है, ये आपके स्वास्थ्य की स्थिति को दिखाएगी और जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ के सामाजिक जो ताना बाना है उन सबको दिखाने का कार्य करता है। खासकर सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर और आपके विकास पर कैसा असर रहेगा उसे दिखाता है। तो अगर धुंधली है तो ऐसे व्यक्ति का विकास कहीं ना कहीं काफ़ी धीमा होता है, कमजोर होता है। विभिन्न प्रकार की अड़चने, स्वास्थ्य संबंधी अड़चने, पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन की तरफ होती हैं। दो लाइनों में आगे बढ़ के आए तो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य संबंधित और देरी से विकास की एक स्थिति को दिखाने का काम करती है। मध्य में अगर पतली है, बिल्कुल साफ क्लियर क्वालिटी में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये समय है जिस समय व्यक्ति काफ़ी रिकवर करेगा, जीवन को एक बेहतर आयाम देने के लिए प्रयासरत रहेगा और जीवन में काफ़ी सफलताओं को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद धुंधली हो जाना कि उसके बाद फिर चीज़ें मंद पड़ जाएंगी और उसके बाद सामान्य गति से जीवन जितना उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो कर्म के रूप में धन के रूप में हो, चाहे उन्होंने धर्म के रूप में संग्रह किया हुआ हो, पाप पुण्य संग्रह किया हो, जो कुछ भी हो उसके आधार पर बाकी का जीवन यहाँ आगे बढ़ेगा। अब कुछ हथेली में देखेंगे कि मध्य में थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फिर तेजी से आगे बढ़ा है, यानी कि सक्रिय रूप से सामाजिक जीवन में ऐसा व्यक्ति फिर से लौटता है, अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपने व्यापारिक जीवन में भी, अपने सामाजिक जीवन में भी। इसके अलावा उसकी और विभिन्न प्रकार की कुछ अलग रुचियां जागृत हो सकती है जो उसके जीवन को नया आयाम देने का काम करेंगी। वहीं अगर भाग्य रेखा की बात करें, शुरुआत से निकली है बहुत तीव्र गति से, मध्य में आके धुंधली हो गई है, भटकाव को दर्शाता है। सब कुछ करते करते व्यक्ति कहीं भटक गया है या एक से ज़्यादा जगह उसका दिमाग अब चलने लगा है। व्यक्ति जीवन को अलग अलग भागों में विभक्त करने की सोच रहा है या कहीं ना कहीं उसका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ रहा है। और धुंधला होने का मतलब कि काफ़ी हद तक निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा और भटकाव आपके जीवन में आएगा, जिसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर अलग अलग तरीके से निश्चित तौर पर आएगा। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे आपकी बुद्धि की रेखाओं के संबंध में। चूँकि व्यवसाय की दक्षता और जीवन में कारोबार संबंधी जो भी विकास है उसका प्रतिनिधित्व तो करने का ही कार्य करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति आपके लिए बन जाती है, शुरुआत से बहुत धुंधली है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में अगर बहुत अच्छी चल रही है और मध्य में धुंधली हो गई है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का दिमाग चंचल है, व्यक्ति को अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास नहीं है, व्यक्ति कहीं ना कहीं डर में जी रहा है और कहीं ना कहीं बहुत जल्द फैसला लेने में यकीन रखने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कभी मुश्किल समय आएगा आप चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर सब्र की बड़ी आवश्यकता होती है, वो क्रोध में बहुत जल्दी आ जाएगा, वो डर में बहुत जल्दी आ जाएगा, वो चीज़ों को बहुत जल्दी बदलने की कोशिश करेगा या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेगा लाइफ में, तो इनसे बचना है। और अगर पूरी तरीके से सही जा रही है तो बहुत अच्छा है। मान लो बीच बीच में टूट गई है तो इसका क्या मतलब है, ये अलग अलग समय में आने वाले विभिन्न ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो दशा की परिवर्तनें होंगी, महादशा की हो, अंतरदशा की, प्रत्यंतरदशा की, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा जो भी होगी उन सब की स्थितियों को दिखाएगी। प्लैनेट्स के मूवमेंट कैसे जा रही है
उसके अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होंगे उसे दिखाने का ये काम करती है। उस समय कई झटके ऐसे आते हैं जो कि आपको काफ़ी आगे ले जाते हैं, कई झटके ऐसे आते हैं जो कि आपको बिल्कुल ज़मीन पे बिछा देने का काम करेंगे। तो उस समय क्या है कि आपको अपने ग्रहों की चाल के अनुसार से, पंप की सिचुएशन के हिसाब से, जब उस समय आप उपाय करते हैं तो आपको उसके फल मिलते हैं। लोग हमेशा पूछते हैं कि नहीं इससे कैसे होगा, हाथ की रेखाओं से या कुंडली से। देखो, जैसे कि जब भी आपको बुखार लगता है ना, तो आप पैरासीटामोल खाते हो, आपका बुखार ठीक हो जाता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ विटामिन्स की कमी आपके बॉडी में हो जाती है, आप विटामिन्स की दवा खाते हो, आप ठीक हो जाते हो। उसी प्रकार से जो पंचभूत से बनाए शरीर है ना, इसमें वात पित्त कफ से संबंधित इम्बैलेंस होता है, आपके स्वास्थ्य संबंधी अड़चने आती है। पंचभूत का ऊपर नीचे होता है, जीवन में, किस्मत में, आपके कार्यों में विभिन्न प्रकार की अड़चने आती हैं। तो जिसकी कमी है, जिस कारण से है, उसकी कमी को पूरा कर दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर कट है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं दवा खाना तो ठीक है उससे ठीक हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कैसे हो जाएगा, यहाँ से जल देंगे तो सूर्य को कैसे पहुँच जाएगा, अमेरिका से कोई फ़ोन करता है तो इंडिया में आता है ना, वायर तो नहीं है बीच में कहीं। तो चीज़ों को उसी तरीके से समझे, और जहाँ कमी होगी, कहीं गड्ढा है तो मिट्टी डाल दोगे समतल हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में कहीं अड़चन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे, उसे देखना है, उस समस्या को दूर करना है, आपके जीवन में आने वाली तकलीफ खत्म हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो ऐसी स्थिति जब भी आप किसी रेखा में हो, मध्य में धुंधली, किनारे धुंधली, तो इस प्रकार से इसका प्रभाव आप जानेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं बाकी रेखाओं ने यहाँ पे क्या है, बीच में धुंधली होके चली है, ऊपर आप देखेंगे तो रेखा है बहुत महीन पतली ऊपर की तरफ गई है, मध्य में यहाँ पर रेखा मोटी थी। आप अगर आपने शुरुआत से देखा होगा तो बुद्ध की रेखा, मस्तिष्क की रेखा भी यहाँ ठीक से आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, ये धन त्रिभुज की स्थिति को बनाने का काम करता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन के इनके प्रारब्ध में, व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में या युवावस्था के बाद से ही अपने जीवन में सक्रिय रूप से अपने कार्यों में भाग लेगा और बेहतर धन प्राप्ति के योगों को ये साकार करेंगे और जीवन वहां पर बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं भी आपके जीवन के बड़े बड़े खास समय, अभी कितना समय है पता है आपको, एक कम से कम 11 साल से ज्यादा का समय है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। बाद का भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे करके जाएंगी, लेकिन ये समय ऐसा है जो इतना कुछ दे जाएगा कि बाद के समय की ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। मध्य में देखोगे यहाँ पर तो एक विंडो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 और 4 की संख्या में जब जालों की स्थिति हो जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन 2-2 की स्थिति में हो ये आपके लिए अत्यंत तो शुभ है और अस्थायित्व देने का काम करेगा और तरक्की को साथ में बरकरार रखते हुए जीवन को समृद्ध करता जाएगा। अब देख लो यहाँ पर कुछ रेखाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस रेखा को देखो कैसे बिल्कुल टेढ़ी हो गया, मंगल की जब भी रेखा है ना बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ बढ़ती जाए बहुत शुभ है, टेढ़ी हो के आए, ये आपके जीवन में कुछ अन्य लोगों को लाती है जो कि आपके मूड को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जब चाहे वो उद्विग्न बना सकते हैं, जब चाहे बिल्कुल शांत कर सकते हैं, यानी आप एक रिमोट कंट्रोल के अंदर आ जाते हो। तो ऐसे लोगों को अपने आप को कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने सूक्ष्म रूप से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आपके किस्मत में क्या है इसके लिए आप अपनी पाम एनालिसिस हॉरोस्कोप एनालिसिस के द्वारा चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।